नमस्कार दोस्तों, अगर आप आपके फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं इस तरह से सी बना के कैमरा ओपन करके या फिर इस तरह से जी बना के फ्लैशलाइट वगैरह ऑन करके, तो ये आप कर सकते हैं गेस्चर्स की मदद से। एंड थैंकफुली ये जो टेक्नो के फ़ोन हैं इसमें कई सारे गेस्चर सपोर्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फेवरेट डबल टैप टू वेक, तो ये जो गेस्चर हैं ये किस तरह से एनेबल करने हैं आइए बात करते हैं इस वीडियो में। तो आपको यहाँ पे जाना है ड्रॉवर में, उसके बाद में जाना है सेटिंग में। और सेटिंग में जो इसके गेस्चर का जो नाम है थोड़ा सा अजीब है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या नाम है। तो आपको जाना है स्पेशल फंक्शन में, और स्पेशल फंक्शन के अंदर आपको जो है जाना है माइक्रो इंटेलिजेंस में। तो ये हम आ गए। अब माइक्रो इंटेलिजेंस में कई सारे जो ऑप्शंस हैं वो प्रेजेंट ये कर देता है। आइए एक एक करके जो है बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इम्प्रेसिव फीचर है दैट इज़ क्विक स्टार्ट। तो जिस तरह से स्टार्टिंग में हमने बताया कि भाई सी दबा के आप बंद स्क्रीन के ऊपर कैमरा लॉन्च कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जेड पे फ्लैशलाइट है, अब ओ बाकी है तो इसको आइए कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ओ में आपको क्या लेना है, तो आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो है स्टार्ट ऐप, तो स्टार्ट ऐप में अगर आप जाते हैं और आप यहाँ पे भाई हमें ना क्रोम ओपन करना चाहेंगे ओ करके, तो यहाँ पे आप क्रोम ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है टॉगल, कि हमको इसका कोई सेटिंग या कोई फीचर ऑन ऑफ करना है, हमें हॉटस्पॉट ऑन करना है, डेटा सेवर ऑन करना है, जो भी है आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं। उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग फीचर है, जैसे सी को ट्रेस करके मैंने कैमरा ऑन किया, आप चाहते हैं कि नहीं इसको चेंज कर दें तो आप यहाँ से अगेन चेंज कर सकते हैं। सी फॉर क्रोम करना है, क्रोम कर दो। इस तरह से आप ये कम्प्लीटली कन्फिगर कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। क्विक स्टार्ट बंद करना है, आई डोंट नो वाई आप बंद क्यों करोगे, बट पूरा आप एक साथ में बंद कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्विक स्टार्ट। उसके बाद में जो सबसे बढ़िया और सबसे लाइव सेविंग फीचर है, आपके लिए नहीं आपके फ़ोन के लिए, क्योंकि आपके फ़ोन के ये जो पावर बटन है ना इसको बचाता है, टैप टू वेक। तो ये जो फीचर है आप यहाँ पे ऑन कर लीजिए। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि देखिए आपका जो फ़ोन है मान लीजिए पड़ा है और पावर बटन बार बार आप यूज़ करेंगे तो बटन डैमेज हो जाएगा। डबल टैप कीजिए फ़ोन पे और इस तरह से वेक कर लीजिए। तो ये एक चीज़ हो गया। म्यूज़िक गेस्चर आपको मिल जाता है, मान लीजिए आप म्यूज़िक सुन रहे हैं कुकिंग वगैरह करते वक्त और आपके हाथ जो है गंदे हैं, तो जब स्क्रीन ऑफ है आपका म्यूज़िक बज रहा है आप इसको ऑन कर लीजिए। और यहाँ पे लिखा है स्वाइप लेफ्ट टू स्विच टू द प्रीवियस, स्वाइप राइट टू स्विच टू द नेक्स्ट सॉन्ग। मतलब आप इसके ऊपर स्वाइप करके आपका जो कंट्रोल है वो कर सकते हैं बंद स्क्रीन में, पूरा अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, स्वाइप डाउन कर दिया तो जो सॉन्ग है वो प्ले होने लग जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद में थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट काफ़ी कॉमन चीज़ है, नो नीड टू एक्सप्लेन, तो इसको आप एनेबल कर सकते हैं, तीन फिंगर से स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। रेस टू ईयर, ये एक काफ़ी अच्छी जो है इम्प्रेसिव चीज़ है, अगर आप फ्रेंड्स को जो है बताना चाहते हैं भाई जैसे ही फ़ोन आएगा सिर्फ आप इसको उठाइए और आपके कान के पास में लेके जाइए तो अपने आप जो कॉल है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हो गया। उसके बाद में स्मार्ट स्क्रीन ऑन, ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, खास करके फेशियल रिकग्निशन कैमरा यूज़ करते हैं, मतलब आप फेस अनलॉक को जब यूज़ करते हैं तब इसको आप इनेबल कीजिए। अब इससे क्या होगा, देखिए मान लीजिए फ़ोन आपका पड़ा है डेस्क पे, ठीक है, अगर आप इतने आलसी हैं कि आपको पावर बटन नहीं दबाना है, इसको अनलॉक नहीं करना है, सिंपली आपका जो फ़ोन है उठाइए, और अभी ये जो कैमरे से बाहर चला जाएगा इसलिए अभी ये ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन आप जैसे ही इसको उठाते हैं तो उठाने के बाद में जो स्क्रीन है ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा और आपका जो फेस अनलॉक है कैमरा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उससे जो है आप फेस अनलॉक डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, अपने आप स्क्रीन ऑन हो जाती है जैसे ही आप उठाते हैं, आपके जो टेबल है वहाँ से जब आप फ़ोन उठाते हैं तब अपने आप स्क्रीन ऑन हो जाता है। तो ये रहा एक फ़ीचर। उसके बाद में फ्लैश फॉर कॉल्स, मतलब जो फ्लैश है वो चालू हो जाता है जब कॉल आता है, मान लीजिए फ़ोन आपका दूर पड़ा है तो आपका जो फ्लैश है वो चलेगा और आपको अलर्ट कर देगा कि भाई कॉल आ रहा है। तो फीचर्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और लाइक वाला बटन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।